चुनाव हमारे ख़त्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुका है और सारी पार्टियां अपने फिर से वो जो रोने वाली टोन होती है, जो मेंटालिटी होती है कि हम जीते तो सब कुछ ठीक, ओके, न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं, कोई ईवीएम ख़राब थी ही नहीं कभी। और जैसे ही हम हार गए, ईवीएम ख़राब है, इलेक्शन कमीशन पर दाग लग गया, हम इलेक्शन कमीशन को मानते भी नहीं हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि जनता के चुने हुए लीडरों को भी ये लोग ये कह के ठुकरा देंगे कि जनता ही बायस है। और फ्यूचर में एक दिन आ जाएगा कि वो लोग जनता को भी इग्नोर कर देंगे और अपने लिए जो जनता ममता बनर्जी जैसे करती हैं, नई नई जनता ले आती हैं रोहिंग्या के नाम पे, उसी तरीके से धीरे धीरे हर पार्टी अपने लिए एक नई पॉपुलेशन ही क्रिएट करने लगेगी और वोट बैंक नया खुद का बना लेगी। तो अभी तो जो लोग हैं धर्म के नाम पर बना लिया जाता है, बाद में बाहर चला के बनाया जाएगा। तो अब एग्जिट पोल इतना ज़्यादा मतलब बीजेपी के फेवर में है, और यहाँ तक कि NDTV ने भी, मैं वो चीज़ें नहीं दिखा सकता अभी आपको स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट रॉ फुटेज ही डालूंगा, NDTV ने भी बहुत बड़े मार्जिन से दिखा दिया कि बीजेपी को ही बहुमत मिल रही। और ये देख के जो लेफ्टिस्ट हैं उनका मुंह इतना गंदा बना हुआ है, मैं वो भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो लोग हैं उस स्विंग के वो तो जानते ही होंगे कितनी बुरी हालत है। और बहुत लोग कह रहे थे कि 23 को पता चल ही जाएगा, 23 को देख ही लेंगे, तो देखना तो मैं भी चाहता हूँ और 23 को पता चल जाएगा। तो उन लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब खुद को सुधारने के बजाय जब भी मौका पड़ता है ईवीएम को या फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देना बंद करो। आज तक अगर मोदी को गाली देने के अलावा पूरे जो कैंपेन में अगर कुछ और किया होता तो शायद तुम्हारी सिंसियरिटी को देख के मिल जाता। अखिलेश यादव ने अगर राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाने के बजाय खुद के कॉन्फिडेंस पे यूपी में काम कराया है उस पे बहुत पहले जब वोट मांगा होता तो शायद अखिलेश यादव की वो इमेज रहती और उनको बहुमत मिलती और वो यूपी के सीएम रहते। लेकिन इन लोगों के जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई चोर है कि हमारी ये गलती सामने आ गई तो क्या होगा, हमने अगर ये काम किए हैं अगर वो सही नहीं रहे, वो कम पड़ रहे हैं तो जनता हमें वोट नहीं देगी। लेकिन काम ना गिनाने की वजह, अपनी कमजोरियों की वजह से जुड़ जाना और इकट्ठा और सिर्फ मोदी को गरियाना, इससे थोड़ी आपको कोई वोट देगा। तो मोदी के आने से लोगों ने ये सीखा है कि हमें हमारा हक चाहिए, वोट के थ्रू चाहिए, हम आपको जिताएंगे और आप वो करो जो हम चाहते हैं। तो इसलिए लोगों ने मोदी को चुना पहले और दोबारा फिर से चुना है। तो 23 को जैसा कि अब NDTV ने दिखा दिया, तो बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि अब NDTV ने दिखा दिया तो रिजल्ट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों के गले से निकला नहीं होगा वो 270 के पार का कोई भी डिजिट अगर देना होगा तो बेचारों के कितने उससे निकला होगा, हलक से उतर ही नहीं रहा होगा कि कैसे हम बोलें कि रुझान बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन खैर, गया तो गया, तो अब देखते हैं। सबके बहाने तैयार हैं, हर एक पार्टी हर एक जगह से जितना हो सके कोस रही है इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम को। ईवीएम तो खुद कहता है कि आप हैक करा के देख लो भाई, आप कहीं से भी हैक कर लो, हैक करा के देख लो, अगर हो जाता है तो हम मान लेंगे ईवीएम हैकेबल है। लेकिन वो ये भी करने को तैयार, केजरीवाल है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, इन लोगों को घूम फिर के अपना वो पुरानी वाली चाल, ये लोग थकते नहीं है, हर बार जब भी हारेंगे ईवीएम को दोष देंगे, इलेक्शन कमीशन को मानना छोड़ देंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जनता तो बेवकूफ़ नहीं है इतनी, आप एक तरीके से अगर इनके एक बार को ले लेते हैं ईवीएम ख़राब है और एक बार को ले लेते हैं ख़राब नहीं है, अगर ख़राब है तो जब आपकी सरकार थी 2014 में, पूरे आप पावर में थे, तब आपने क्यों नहीं उसको यूज़ किया और पार्टी में आ जाते। और अगर ख़राब नहीं है तो इतनी जो करोड़ों की तादाद में जनता ने मोदी को वोट किया है, आप उसको एक तरीके से गाली दे रहे हो कि तुम्हारे वोट की वैल्यू नहीं है, ये तो ईवीएम ख़राब करके जीत के चला गया भाई। तो आप, और अगर ईवीएम इतना ही हैकेबल था तो शायद जो आप दो स्टेट्स में चुनाव जीते हो वो भी आपने जीता है इसी गलती से, इसी खराबी का फ़ायदा उठा, तो उंगली आप पे भी उठती है, तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। खैर, तो जनता ने इसको, इस डॉक्टर को दोबारा से चुना है हमारे देश के कैंसर का इलाज करने के लिए। जब पहली बार चुना था तो दर्द हुआ कुछ लोगों को, अब दूसरी बार चुना है तो शायद अच्छे से इलाज इस बार हो जाएगा और कुछ बचा रहेगा तो दोबारा फिर चुने जाएंगे। खैर, अब तो 23 को ही पता चलेगा क्या होना है, क्योंकि 50-50 कभी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि दिल्ली में पहले मीडिया ने दिखाया था कि बीजेपी आ रही, फिर अचानक से केजरीवाल इतनी बड़े मार्जिन से आ गए, कुछ भी हो सकता है, मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ा जब NDTV ने दिखा दिया। तो भाई, अगर भाजपा को ईवीएम ख़राब करके ही वोट जीतना था, हैक करके ही जीतना था, तो एक सीट भी नहीं देती आपको, आप उसे एक सीट के भी हकदार नहीं हो, हक नहीं, जो राइट वर्ड होता राइट, आपके पास राइट भी नहीं है कि एक सीट पे भी आओ उसको लूटो, डिस्ट्रॉय करो।
23 तारीख के बारे में अगर किसी को कुछ गेस करना हो किसकी सरकार आएगी अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जिट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल का कभी भी होता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली वोट काउंट थोड़ी कर रहे हो, वो अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, लेकिन NDTV का एक अलग ही है, उसको देख के तो लेफ्ट वाले भी मान गए अब तक, NDTV का मार्जिन देख के इतना बड़ा लेफ्ट वाले भी मान गए, तो आपको भी मान जाना चाहिए कि भाजपा ही आ रही है। तो अगर किसी को कुछ कहना है इस बारे में तो कमेंट कर सकता है, और वीडियो चली तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। जय।